दूर करने इलाज असा कृष्णा जी ने दी प्रभा गुरु जी ने नाम सिमरन से बाणी किवें चिंता दूर करती है जी। गुरु कलगीधर महाराज दसम पातशाह जी की हजूरी श्री आनंदपुर साहिब उन्होंने नेड़े दे पिंडां दा रोपड़े दे नजदीक दा इक गरीब सिख सी जाया करदा खास दीवान दे दिनां ते सेवा करदा सी कुछ कदा दिन रह के सेवा करके वापस आ जांदा लेकिन उसकी किरिया कहो जी सी अपने बाल बच्चे दी पालना रोज दा रोज कमा के करिया करदा सी। इसी तरह एक दफा दा जिक्र कुछ सेवा छिड़ी उत्थे उसने जाके एक अद्धा दिन सेवा कीती गुरु जी नूं जाके अर्ज करदा गरीब वाह छुट्टी दो फिर किते मैं दो चार दिन का राशन जमा करके आवांगा अपने बाल बच्चे का फिर आके कुछ दिन सेवा करूंगा। गुरु जी कहेंगे चंगा भाई राजक अपने बाल बच्चों का तू नहीं है माता पिता तो जन्म हुंदा बच्चों का लेकिन राजक तो परमेश्वर ही है रोजी दिंद तां परमेश्वर ही है पत्थर विच भी परमेश्वर ने जंत पैदा किते उन्हां नूं भी रोजी मिलती है जाया सो वापस आ गया आके कुछ दिन रहा दो चार दिन का राशन जमा करके फिर पहुंचया सेवा करता रहा सो सेवा करके फिर आग्या लई गुरु जी ने फरमाया प्रेमिया भिन्न ने अपने बच्चों की पालना मैं करदा लेकिन यूं दस तू बाणी पढ़ता हुंदा कि ना रोज महाराज पढ़दा रह रास्ता तो पाठ रोज करदा कि ना महाराज करींदा किते ए पंक्ति नहीं पढ़ी तै काहरे मन चित हर हर जीव भरिया शैल पत्र में जंतु पाए आगे कर फरिया पढ़ता हमने कि ना महाराज पढ़ता फिर पढ़ता ही अमल भी कदे कीता विश्वास भी लिया बाणी। हां जी गाव्या सुनिया तिन का थाए पवे जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत कर मानी विश्वास लिया है कि ना सिर्फ पढ़ता है सुनता ही महाराज विश्वास भी करींदा ही है। गुरु जी कहणगे जिहड़ा तू कहना बच्चिआं नूं मैं पालदा मित बिना भुखे मर जाणगे तू प्रतीत हुंदा तू इस पंक्ति दे उपर अमल नहीं कीता। गुरु जी ने उसदी दृढ़ता बजाउण वास्ते इक कौतक रचिआ जदों सेवा करन वास्ते आया उसनूं कहणगे प्रेमिआ आ इक पत्रका साडे वल्लों लै जा फलाणे थां इक साडा प्रेमी कोई सरदार रहिंदा है उसनूं जाके पत्र दे उस तों जवाब लै के आ जदों जवाब दे के जां फिर तूं घर जावीं इतना कु कम कर सतवचन पत्रका गुरु जी ने लिखवा दित्ती भेज दित्ता उत्थे पहुंचिआ पत्रका उस गुरु जी के सिख सरदार नूं दित्तीआं ने सिर मस्तक ते लगाई सो भाग समझे उस पत्रका विच गुरु जी ने लिखवाया कि वी इह सिख तेरे वल आ जा इसकी बड़ी अच्छी तरह सेवा करना पर ख्याल यह जरूर रखना जिनी देर तक इधरों हुक्मनामा ना आवे उन्नी देर तक नहीं आउण देना पहरा लगा के रखना इसते ऐसा ना किते चोरी चला जाए। खैर चिट्ठी पढ़ के उसने गुरु जी के वचना ते अमल किया खास थान रहायश कर दी गई उसके पहरे लगा दिते गए रात बराते या चोरी छपोरी न चला जाए किते सेवा बड़ी उसकी हो रही है। इसी तरह महीना भी दिन गुजर गया वो अपनी सेवा वाल देख के तो बड़ा खुश हो रहा है मेरी तो सेवा बड़ी हो रही है लेकिन एक चिंता नु तंग कर रही है कि बाल बच्चे तो भुखे मर गए होंगे क्योंकि उन्होंने पास कुछ नहीं सी मैं छड़िया जरूर भुखे मर गए होंगे ये चिंता दे नाल दिन ब दिन दुखी हो रहे। खैर हुक्म सी गुरु जी का जिनी देर तक हुक्मनामा ना आवे इन आउण नहीं देना सख्त पैरे लगाए हुए हैं। महीना भी गुजर गया खैर गुरु जी ने हुक्मनामा भेजा भी इसनों वापस करो सानू मिल के फिर जावे घर ऐसा होना चाहिए। खैर इसी तरह वह आ गया पिछे की खेल वरती ओदे बाल बच्चे सन घरवाली सी पिंड दे लोगों ने सोचा भी वह प्रेमी गया है गुरु के दरबार नूं आनंदपुर साहिब नूं बच्चे हैं ते इन्हां पास बेचारे पास कुछ राशन वगैरह नहीं होना पिंड दे लोगों ने मुखी लोगों ने सारे पिंड दे लोगों ने थोड़ा थोड़ा राशन इकट्ठा करके उन्होंने साल भर का राशन जमा कर दिया अगे हम बड़े खुशहाल हो गए बेफिक्र हो गए आवे या साल छे महीने बेशक ना। इसी तरह जिस वक्त गुरु जी ने हुक्मनामा भेजे उस सिख सरदार ने कहा जरूर गुरु जी का दर्शन करके जाओ पहले सीधे घर नहीं जाना
खैर गुरु जी के दर्शनों वास्ते आके चरणा ते नमस्कार की थी। पुब ने कभी दुखी हो गए क्यों चित दवाई फुरना थी मर गए हो गए बाल बच्चे। तो गुरु जी कहने क्यों की गल भाई क्यों दुखी महाराज मेरी तो बड़ी सेवा की थी तो प्रेमी ने लेकिन बच्चे तो मर गए होंगे भुखे उन्होंने पास तो कुछ भी नहीं सी दो दिन का राशन भी जमा नहीं सी। गुरु जी कहे चंगा भाई जा उन्होंने खबर लै नमस्कार करके तुर गए नाले गुरु जी तक तरकां करता जाता चित भाई बेचारे मर गए होंगे भुखे बाल बच्चे तो खैर जदों घर जाके पहुंचया सो जाके बच्चे चिंबड़ जाते उनकी हालत हो रही देखी हैरान हो पुछे थोड़ी किवें बीती सारे कहने तो बड़े खुश हाँ और भावे जाके सेवा करो दो चार महीने साढ़े पांच साल का राशन जमा कर दिता है पिंड के लोगों ने उस मौके उसने विश्वास है वाकई गुरु जी कहते सैल पत्थर में जंतु पाए तरह मैं मनता नहीं थी वाकई हरिक दी रोजी परमात्मा ने अपने हथ रखी हुई है। तो साथ आओ जो इसी तरह विचारा कीतिया जा अमल विच लिया जान गल चिंता रूपी डैन तो छुटकारा हुंदा वरना इस तो छुटकारा हुंदा नहीं। तो आसा तृष्णा चिंता जिहड़े तीन डण हरिक दे मन चिंबड़िया ने हर वक्त ही मन दुखी ते अशांत रखदिया ने इन्हां दा गुरु जी ने यही उपा दस्या नाम सिमरन और गुरबाणी का पाठ कीर्तन ते विचार साते अपने मन नूं सुखी शांत रखण वास्ते गुरमुख मार्ग अख्तियार करना हरेक प्राणी मात्र दा फर्ज है। इस तों इलावा ना सुख शांति दी जिंदगी गुजरे ना ही मरण तों बाद दी जिहड़ी अवस्था है जीव दी ओह अच्छी होवे ओह शानदार बने साते इही इक उपा सानूं दस्या है। तो आओ इउं गुरबाणी दा आसरा सतसंग दा आसरा सो इक दफा दा जिक्र किसी महात्मा के पास किसी ने सवाल किया कहें जी सत्संग की बड़ी महिमा है सत्संग की बड़ी महत्ता बड़े बड़े चोर ठग डाकू थाड़वी लुटेरे ते सुधर गए हैं सत्संग में आके भी गुरमुख बन गए संत बन गए त्रिकालदर्शी बन गए वाल्मीकि बन गए यही जी सत्संग हरेक करता क्यों नहीं जे सत्संग इतनी सिफत है जिवें पारस के अठा ताता सोना बनाने की ताकत है सोना बनाने की सिफत है इसी तरह सत्संग नूं गुरमुख बनाउण दी ताकत इह जी सत्संग तों क्यों नहीं कोई लाभ उठाउंदा हर इक दुनिया कोई इस तों फायदा उठाउण दा उपा नहीं करदी। उन्हां कहा सत्संग बिना भागा नहीं लभ्या करदा बिन भागा सत्संग ना लभे बिन संगत मैल परीजे जीव बड़े भाग सत्संग प्राप्त दिन भेट तों दुरमुख होई। आओ इस करके सत्संग बड़े भागा नाल मिलदा है एवें मिलदा नहीं अमी दरवाजे ते भी क्यों ना होवे।